दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी शाकिब के साथ हुआ वो बहुत गलत है। हम मैं इसी बात के लिए आपका सम्मान करता हूं। हमारे घर भी ईद में, बकरीद में सब आते हैं दीपक जी, और हम भी हर फेस्टिवल में जाते हैं, और बुलाना तो एक बहुत सम्मान की बात है। हमारे घर से सेवैया जाती है, और हमारे घर में ठेकुआ आता है, दीपावली में मिठाइयाँ आती हैं, और हम जाते हैं बहुत खुशी से। ये तो बहुत अच्छा लगता है, हम इंतजार करते हैं कि कोई बुलाए, ये तो सम्मान की बात है। इस तरह की जो भी मानसिकता है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कट्टरपंथ कोई भी मजहब का हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर धर्म सिखाता है दूसरे धर्म का सम्मान करना। अगर आप अपने धर्म का सम्मान चाहते हैं तो आप मोहम्मद साहब भी, पैगंबर साहब का भी यही कहना था कि आप दूसरे के धर्म को सम्मान दीजिए, ना कि उसके का इंसल्ट कीजिए। और शाकिब तो सिर्फ एक इनॉग्रेशन में गया था तृणमूल कांग्रेस के विधायक के बुलाने। मुझे आप बताइए ना, ये मुल्ला लोग इस बात को सिखाते हैं क्या? फतवा दिया जेबा जी, जेबा जी, जेबा जी, जब जब नुसरत जहां पर रोज फतवा आता है, जब राम मंदिर की मिट्टी ले जाने वालों को जान से मारने की धमकी मिलती है, जब आरती के लिए दो महिलाओं के पोस्टर अलीगढ़ और वाराणसी में लगाए जाते हैं, वाराणसी में आरती करने पर देवबंद फतवा निकालता है, तो क्या मुल्ला का इस्लाम मानने वाले लोग, जिसमें इंक्लूडिंग देवबंद है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या वो ये चाहते हैं जो आप बातें आप कह रही हैं? मैं तो आपकी बात का सम्मान करता हूँ, आपने जो कहा, क्या वो ये चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते तो अगर नहीं चाहते तभी तो फतवा निकालते हैं ना। लेकिन दीपक जी, मेरे जैसे एक बहुत बड़ा तबका है जो सभी को सम्मान करता है और सभी के धर्म को सम्मान करता है, प्यार मोहब्बत से चलना चाहता है। मेरा घर खुद मंदिर के पास है दीपक जी, और हम हर फेस्टिवल, अगर हर फेस्टिवल में आता है, सभी आते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक इंतजार करते हैं। मैं इस तरह के किसी भी बात का, स्टेटमेंट का और फतवा का एकदम सख्त विरोध करती हूँ।